चलिए हम लोग सवाल हो जाते हैं। देखिए, 37.5 का मतलब ये होता है 3/8। 37.5 का मतलब है 3/8। देखिए, 37 × 74 जैसे आप 37 × 2 कीजिएगा कितना हो जाएगा 74। तो क्या हो जाएगा आपका 74 × 1 = 75 / 2 × 100 है ना। 25 × 3 = 75 और 25 × 4 = 100 कितने हुआ 3 × 4 = 8 हो गया 3/8 हो गया आपका। इसका बी इसका आंसर ही डायरेक्टली आप लोग को ये सबको याद रख लेना पड़ेगा। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाना चाहिए, इसमें टाइम नहीं लगने का। जैसे देख लें 37 2/3 डायरेक्ट हम लोग को समझ में आ गया कि 3/8 होगा। तीन बटा आठ हो गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल में आते हैं हम लोग, उसको साफ कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं 3/4। जैसे 3/4 देखिए 1/4 का मतलब होता है, देखिए हमको बताते हैं 1/4 अगर हम ले लेते हैं 1/4 इसका मतलब होता है 25%। ठीक है, 1/4 25%। तो यहाँ 3/4 है तो इसको 3 से गुना करिए, है ना। यहाँ जैसे 1 × 3 तब ना होगा, 3 × 1 = 3/4। बस यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, 25 × 3 = 75। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी 75%। समझ गए आप बात को? आपका आंसर क्या हो गया 75% सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 3/8 दिया, अभी तुरंत आपको बताए थे, अभी हमने आपको बताया कि 1/4 का मतलब 25%। ठीक है, कैसे तो आप जान ही रहे हैं, 1/4 और गुना 100 कीजिएगा तो कट ही जाएगा 4 से, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20 तो 25% होवे करता है। ये तो आप जान ही रहे हैं, तो आप जान रहे हैं 1/4 का मतलब 25% हमारा अगर होता है तो यहाँ 1/8 है, वहाँ तो 25 × 3 = 75 हो गया था, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 37.5। क्या कि अभी तुरंत हम आपको बताएं कि 3/4 का मतलब 75%, इसको 8 कर दिया, मतलब इसको 1/2 से और भाग दे दिया तो आप भी इसको आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 37.5 = 2% सिंपल वे में। समझ में आपको? चलिए अब देखिए 34 का 15%। आपको बता दें कि अगर हम 1/5 करते हैं तो इसका मतलब होता है 20%। तो ये क्या है, 15 है तो तिगुना है ना। 15% अगर हमको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए आप देखिए इसको जो लिखिएगा 5%, अगर आप 5% लिखिएगा, 5% का मतलब 1/20 होता है। ठीक है, तो कितना है 15% तिगुना है तो आप क्या लिख दीजिएगा 3/20 और आपका 34 है तो देखिए 20 से दो से कटे, 2 × 1 = 0 और 2 से कटाइए 34 17 × 12 = 51 कितना हो जाएगा 51। क्या अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद होगी आपका 5.1, जो भी इसका 5.1 होगा या इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है 5.1 आपका कहीं पे, ए 8 का ए हो गया, 7 का भी तो आप समझ गए ना, 7 का भी ए है। चलिए सवाल में कोई जान नहीं रहता है, खाली आपको समझना है कि किस तरह से हमको सवाल को बनाना है। ठीक है, अब 9 वाला में आते हैं। देखिए 450, अगर हम 450 30%, देखिए 10% का मतलब होता है 1/10, तो 30% है तो कितना हो जाएगा 3/10। ठीक, यहाँ 450 है, देखिए यहाँ हम लिख दिए 450 तो यह ज़ीरो गया, 45 × 135 आंसर बी, 9 का बी हो गया। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। जब भी 66 2/3 देखने का मतलब है कि 2/3 होता है, यह इसका मान ही 2/3 होता है,
66 दो बटा 3 का मान, जैसे देखिए 66 दिया 198 दुना, देखिए क्या आ जाएगा, अगर आपके आप ही के अनुसार अगर हम करें 66 दिया प्लस 2 तो 200 बटा 3 और परसेंटेज का मतलब 100, तो यह कट गया, हो गया 2/3, तो हम डायरेक्टली लिख दिए 2/3, ठीक है, तो हम डायरेक्टली 2/3 लिख दिए, ठीक है। जब हम डायरेक्टली 2/3 लिख सकते हैं तो फिर हम इसको कटा भी तो सकते हैं, हम इसको कटा भी सकते हैं, देखिए 348 है यहाँ पे, हम 348 लिख दिए, 348, ठीक है, कटा दिए 3 से, 3 एकम 3, 3 छक्का 48, 116 दूना 232, कितना हो जाएगा 232। अब देखिए 232 कहाँ है, तो आपका सी में है 232, है ना, देख लीजिए इसको साफ कर देते हैं, सी में है आपका 232, है ना, तो आंसर हो जाएगा 232 कहाँ है, हाँ डी में है आपका 232, आंसर क्या हो जाएगा डी 232, मतलब जिसमें 232 है वो मेरा आंसर हो गया। डायरेक्ट हम देख लें, देखिए फिर से अगर इसको आप बनाइएगा, अच्छा से बनाइएगा, देखिए कितना एकदम स्पीड में बनेगा, जैसे हम देखें 66 दो बटा तीन देख लें 2/3 होता है, चलो किससे मल्टीप्लाई करना है, 348 से 348 दे दिया हमने, 3 से कटाया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 6 18, 116 दूना 232 हो गया आंसर डी।